हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज के इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में कुछ ब्लैंकेट्स जो आप अमेज़ॉन से शॉप कर सकते हैं साथ ही साथ में कुछ ब्लैंकेट कवर्स भी हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो विंटर में आप अपने घर के लिए शॉप कर सकते हैं तो चलिए लेट नहीं करते हैं और आज का ये वीडियो शुरू करते हैं जो भी प्रोडक्ट्स आपको यहां पे दिखा रही हूं मैं उसका प्राइस नहीं बता रही हूं लिंक दे दे रही हूं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका रीजन ये है कि प्राइस चेंज होती रहती है और मुझे नहीं पता है कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं तो प्राइस चेंज ना हो जाए और वही प्राइस आपको दिखे जो उस टाइम पे सेलर ने लगा रखी है इसीलिए आप एक बार लिंक चेक कर लीजिए तो चलिए दिखाती हूँ पहला ब्लैंकेट तो सबसे पहला ब्लैंकेट जो है इसके चलिए कलर के बारे में पहले बात कर लेते हैं कितना वाइब्रेंट कलर है इसका इस तरफ में है ब्लू और पीछे के साइड में यानी कि इस तरफ में है पर्पल तो आप दोनों तरीके से इसे बिछा सकते

आप चाहो तो किड्स रूम वगैरह के लिए से ले सकते हो जल्दी गंदा भी नहीं होगा ये क्योंकि डार्क कलर है और इससे आप आराम से वॉश भी कर सकते हो काफी अच्छा है देख लीजिए यहाँ पे तो मुझे तो दोनों ही कलर इसके बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन में लग रहे हैं मैं फटाफट आपको स्क्रीन पे यहाँ पे और भी कलर कॉम्बिनेशन इसके दिखा देती हूँ इनकेस आपको इनमें से कोई भी परचेस करना हो तो आप चेकआउट कर सकते हैं सेम उसी ब्लैंकेट में एक और है मेरे पास में जो मैं अपने स्टडी रूम में यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से और ये जो कलर है ये उससे काफ़ी लाइट कलर है तो टील कलर है आप इसे कह सकते हैं या फिर सी ग्रीन कलर भी कह सकते हैं तो इस तरफ में सी ग्रीन कलर है और इसके दूसरे साइड में ऐसा ब्राउन कलर है तो अगर आपका इस थीम का इंटीरियर है तो ये बहुत सही रहे और अगेन ये भी आप देखिए काफी टाइम से मैं यूज कर रही हूं पर कितना सुंदर है मैंने वॉश भी काफी बार किया इनफैक्ट मैंने इसको वॉशिंग मशीन में भी वॉश किया है और कोई दिक्कत नहीं आई है कहीं से धागा वगैरह निकला नहीं है इसका तो ये देख लीजिए ऐसा दिखता है दोनों साइड से काफ़ी प्यारा कलर है और जैसा कि मैंने कहा बैंगलोर वगैरह में तो ये आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हो चाहे गर्मी हो चाहे ठंड के मौसम हो बहुत ठंड पड़ती हो आपकी सिटी में तो फिर ये एकदम से हैवी विंटर्स के लिए नहीं है लाइट विंटर्स के लिए ये बिल्कुल ही सही रहेगा नेक्स्ट कम्फर्टर जो है उसका कलर ऐसा है कि आपका किसी भी थीम का इंटीरियर हो उस पर यह चल जाएगा एवर ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन है ये तो मैं आपको दिखाती हूँ एक तरफ में इसका ऐसा चॉकलेट कलर है ये एकदम डार्क ब्राउन कलर है जो कि देखिए कितना ज़्यादा प्यारा है और डार्क कलर है तो आराम से आप इसको यूज़ कर सकते और दूसरी तरफ में दिया हुआ है बेज कलर तो बेज एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत सुंदर लगता है दिखने में अगर आपके लकड़ी के फर्नीचर हैं लकड़ी का बेड है या फिर टफ्टेड बेड है आपका क्रीम और बेज कलर वगैरह में आप ये वाला कम्फर्टर ज़रूर यूज़ करिए बहुत ही अच्छा रहता है ब्लैंकेट इसको आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं और ये भी डुअल है तो दोनों तरफ से आप यूज़ कर सकते हो डुवेल चीज़ों की का फ़ायदा ये होता है ना कि आपको जब जैसा मन करा आपने चेंज कर दिया साइड और एक नया सा लुक क्रिएट हो जाता है और काफ़ी सारे बेडशीट के साथ में फिर आप इसको मैच कर सकते हैं वैसे अगर आपने मेरा अमेज़न बेडशीट हॉल नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक दे दूंगी मैंने वहां पे बहुत प्यारे प्यारे बेडशीट्स दिखाए थे वो वाला वीडियो जरूर चेकआउट करिएगा आपको वहां के बेडशीट्स पसंद आएंगे तो चलिए पहले ये दिखाती हूँ ब्लैंकेट्स तो इसके एक तरफ में ऐसा डार्क ग्रे कलर है जिक्सैक्ट पैटर्न में बना हुआ है काफी मॉडर्न दिखता है ये बहुत सुंदर लगता है और दूसरी साइड में ऐसा वाइट कलर में ये है तो काफ़ी मॉडर्न लगेगा अगर आप अपने बेडरूम में रखो किड्स रूम में रखो या फिर आप इसको सोफा पर भी रख सकते हो तो मैं यूज़ करती हूँ इसे अपने सोफ़े पर थ्रू आउट द ईयर मैं इसे रखती हूँ तो बैठने वगैरह में आराम हो जाता है जब भी उड़ना हो आप उसको टी वी देखते वक्त में इसे कवर अप हो सकते हो तो मतलब बहुत ही प्यारा है इनफैक्ट ये ट्रैवल में भी काम आएगा तो अगर आपके कार में छोटे बच्चे कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर भी आप ये यूज़ कर सकते हो तो मतलब मल्टीपर्पज़ है अगेन ये भी आप वॉशिंग मशीन में आराम से वॉश कर सकते हो बहुत कम प्राइस है इसकी जितनी भी अच्छी ये दिख रही है ना प्राइस उससे काफी ज्यादा कम है एक बार आप लिंक जरूर चेक करिएगा और इसी से मैचिंग आपको कुशन कवर ही मिल जाते हैं तो इन केस अगर आपको रखना है वो सोफा पे या बेड पे तो आप कुशन कवर के साथ में रख सकते हैं मैं आपको उसका भी लिंक दे दूंगी मेरे पास वो भी है तो एज अ सेट में भी ये बहुत प्यारे लगते तो हैं बात करते हैं अगर आपके पास में ब्लैंकेट ऑलरेडी है या फिर आपके पास में कोई पुराना सा ऐसा कंबल है जिसे आप रोज बरोज में यूज कर रहे हो विंटर्स में और आप चाहते हो उसको एक नया लुक दिया जाए तो क्या किया जाए तो बड़ा आसान तरीका है आप उसके ऊपर एक कवर लगा कर आपको आजकल ऑनलाइन मिल जाएंगे बाहर भी मिल जाते हैं पहले हमेशा वाइट कलर वाले हम लगाया करते थे वो थोड़ा सा बोरिंग भी होता था और वो गंदा भी जल्दी होता था तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ ब्लैंकेट कवर जो आसानी से आप किसी भी ब्लैंकेट के ऊपर में लगा सकते हो और एक बहुत ही सुंदर सा लुक हो दे जाएगा आप देख लीजिए कितना प्यारा दिखता है ये कितना भी पुराना रजाई हो आपका कम्बल हो आपका उसके ऊपर अगर आप ये कवर चढ़ा देंगे ना तो बिल्कुल नया लुक हो जाएगा तो देखिए ऐसा दिखता है ये काफ़ी थिक मटेरियल का बना हुआ है तो खुद में भी ये काफ़ी अच्छा है और जब इसे आप डाल देते हो किसी भी कंबल के ऊपर में तो कंबल का लुक भी अच्छा हो जाएगा कंबल पे एक और लेयर आ जाएगी तो थोड़ा सा और वो गर्म हो जाएगा और इसमें ना जिप दी हुई है तो आराम से आप कंबल डालने के बाद में इसमें जिप चढ़ा सकते हो और जिप भी इस तरीके से अलाइन की गई है ना कि एक नज़र में पता ही नहीं चलता है कि जिप कहाँ पर है तो मतलब बहुत अच्छे से इसे सिला गया है काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी और इसमें आपको और भी वैरायटी मिल जाएगी तो आप चेक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने वहाँ पे चार पांच अलग अलग ब्लैंकेट कवर का लिंक दिया है आपको जो बहुत ही प्यारे प्यारे हैं रेड कलर में वाइब्रेंट कलर में जो आपके थीम पे चलेंगे अगर आपको अलग कलर में लेना हो मैंने एकदम सोबर कलर में लिया है ताकि हर बेडशीट पे चल जाए और वैसे भी मेरे रूम पे थीम पे चल जाए पर ये बहुत ही प्यारा लगता है मुझे तो किस तरह के ब्लैंकेट्स में आप इसको चढ़ा सकते हैं मेरे पास एक ब्लैंकेट पड़ा हुआ है तो इसके ऊपर में मैं वो वाला कवर डाल देती हूँ तो ये बिल्कुल नया हो जाता है वरना ये जो डिज़ाइन है ये तो पुरानी डिज़ाइन है ऐसे तो पहले हमारे पास हुआ ही करते थे उसी को एक नया लुक आप दे सकते ब्लैंकेट में कवर लगाने में दिक्कत आती हो तो फटाफट बताती हूँ आपको कैसे करना है तो आपको ब्लैंकेट का एक कोना लेना है और उसे इस ब्लैंकेट कवर के एक कोने में टक कर देना है इसी तरीके से दूसरे कोने को पकड़िए और अगेन उसे ब्लैंकेट कवर के एंड में यानी कि कोने में जा के टक कर दीजिए आपको सिर्फ कोनों पर ध्यान देना है सेंटर पर अपने आप ब्लैंकेट फिट हो जाएगा और इसी तरीके से बाकी दो कोनों को भी आपको ब्लैंकेट कवर के कोने पे फिक्स कर देना है फिर जिप बंद कर दीजिए जिप बंद करने के बाद आपको दो सिरों को पकड़ के जोर से इस ब्लैंकेट कवर को हिलाना है और अपने आप ब्लैंकेट इसमें टक हो जाएगा तो ये डिजाइन वाले हो गए अब बात करते हैं अगर आपको प्लेन में चाहिए तो बिल्कुल ऐसा डिजाइन नहीं चाहिए प्लेन में चाहिए तो क्या करेंगे चलिए दिखा एक ब्लैंकेट कवर है बहुत ज्यादा अच्छे क्वालिटी का ये कवर है पहले आप देख लीजिए तो ये ब्लू कलर में है तो अगेन आपका अगर थीम हो ऐसा तो किसी भी रूम में ये चल जाएगा काफ़ी बड़े साइज का है तो अगर आपके पास में बड़ी वाली रजाई है तो भी इसमें आप डाल सकते हो तो देखिए ऐसा बिल्कुल प्लेन है और काफ़ी अच्छा मटेरियल है और इसमें जिप नहीं दी गई है लेकिन इसके पीछे ना आपको ऐसे बटन्स मिल जाते हैं आपको दिख रहे हैं ये टिप टिप वाले जो बटन्स आते हैं ना तो आपको बस करना क्या है इसे खोल करके बटन को इसके अंदर आप डाल दो रज़ाई और उसके बाद बटन लगा दो पर बटन की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो ऐसा नहीं है कि खींचते खुल जाता है आप देखोगे ना तो बंद तो आसानी से हो जाएगा पर खोलने के टाइम पे देखिए काफ़ी जोर लगाना पड़ता है तो मतलब ऐसा नहीं है कि खिंच जाएगा आराम से इसके अंदर आप डाल सकते हो तो ये बहुत सुंदर दिखता है ब्लू कलर और इसमें आपको सिर्फ ब्लैंकेट कवर ही नहीं आता है साथ में आपको मिल जाता है एक पिलो कवर भी तो ये देखिए ऐसा आपको एक पिलो कवर भी मिल रहा है तो मैंने ऐसे वाले दो मंगा रखे थे एक मैंने यूज़ किया हुआ है एक रज़ाई में और एक मेरे पास ये ब्रांड न्यू पड़ा हुआ है तो ये भी बहुत अच्छा है इनकेस आपको ऐसा प्लेन में जाना हो तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा इसका भी मैंने लिंक दे दिया है तो ये तो बात हो गई ब्लैंकेट्स की पर ठंड के महीने में हम सभी लोग सोचते हैं कि क्यों ना कारपेट बिछाया जाए कुछ अच्छा सा कारपेट जो लुक भी अच्छा कर दे घर का और साथ में कोजी कोजी भी रहे जहाँ पर हम बैठ सके छोटे बच्चे हैं अगर तो वो बैठ के खेलते हैं तो अगर आप ऐसा कुछ कारपेट देख रहे हैं थोड़े से कम रेट में जो सुंदर दिखे तो मैं आपको ये वाला कारपेट हाईली रिकमेंड करती हूँ आप एक बारी इसका डिज़ाइन पहले देख लो तो ये पैटर्न में है काफी मॉडर्न लगता है आजकल ये पैटर्न बहुत चला हुआ है और बहुत बड़े साइज का ये कारपेट है आप देखोगे ना तो ये ऐसा है तो मतलब काफी बड़ा है मेरे ख्याल से इसका डायमेंशन मुझे एक्जैक्टली पता नहीं है मैंने लिंक दे दिया आप देख लो पर मेरे ख्याल से कुछ पाँच फीट बाय छः फीट या चार फीट बाय छः फीट ऐसा कुछ है पर काफ़ी अच्छे क्वालिटी का ये है और देखिए कितना प्यारा दिखता है अच्छे से यहाँ पे इन्होंने सिलाई भी की हुई है तो ये ठंड के महीने में बहुत अच्छा होता है अगर इसके ऊपर में आप बैठते हो बच्चे खेलते हैं या ऐसे भी आपको कारपेट नया चेंज करना हो तो ये वाला भी आप ज़रूर चेक कर लीजिए तो यही कुछ मुझे शेयर करना था आपके साथ में इन केस अगर आप अभी देख रहे हो कुछ नया ब्लैंकेट या ब्लैंकेट के लिए कवर देख रहे हो या देख रहे हो कारपेट तो मैंने आपको कुछ बहुत ही अच्छे और रीजनेबल रेट वाले यहाँ पर दिखाए हैं जिसको मैंने यूज़ किया है क्वालिटी पे मुझे पूरा भरोसा है तो आप खुद के लिए चेकआउट कर सकते हैं इसी के साथ चलिए आज के लिए मैं वीडियो यहीं तक रखती हूँ आशा करती हूं आपको पसंद आया हो मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और प्यारे प्यारे ब्लॉग्स लाती रहूंगी तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए